दोस्तों ओप्पो ने लॉन्च कर दिया अपना नया फोन मार्केट के अंदर आज ही ओप्पो K1 नाम से। आज हम बात करने वाले इसी ओप्पो K1 के बारे में कि क्या है फोन की स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स और कैसे ये फोन मार्केट के अंदर आया अपने कुछ नए फीचर्स के साथ में। हालांकि जो भी हाईलाइट जो ओप्पो ने अपने इवेंट में लॉन्च की थी उनके अकॉर्डिंग जो फोन के अंदर जो डिस्प्ले है वो काफी शानदार है, प्रोसेसर और इसका जो कैमरा है उन सब के अलावा जो इस फोन के अंदर जो एक मेन हाईलाइट रखी ओप्पो ने पहली बार वो है इसका इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी ओप्पो K1 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरुजी। अगर हम बात करते हैं इस कंप्लीट फोन के बारे में तो यहाँ पर अपने को मिलता है इनबिल्ट स्क्रीन व फिंगरप्रिंट सेंसर, 25 मेगापिक्सल का AI ब्यूटी फ्रंट कैमरा, वाटर ड्रॉप स्क्रीन, अमोल्ड HD डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर जो है वो मिलता है 660 स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम का प्रोसेसर, 4 और 64 रैम रोम का आपका वेरियंट देखने को मिल जाएगा। और इसके जो फीचर्स हैं उनको हम करते हैं डिटेल में डिस्कस और देखते हैं कि इस फोन के अंदर क्या और ओप्पो ने सुधार किया है और क्या इस नए फोन के हमें देखने को मिल जाएगा। अगर सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें वाटर ड्रॉप स्क्रीन विद अमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। 6.41 इंचेस की डिस्प्ले है, 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और कॉर्निंग जो है वो गोरिल्ला ग्लास है, तो बहुत ही शानदार स्क्रीन है यहाँ पे विद प्रोटेक्शन है गोरिल्ला ग्लास की। अगर हम बात करते हैं कलर वेरिएंट की जो एस्ट्रल ब्लू और पियानो ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिल जाएगा। ब्लू और पिंक कलर का जो वेरिएंट है बहुत ही शानदार लुक देता है और बहुत ही यूनिक है इसका जो कलर है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 AIE हमें यहाँ प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। आज इवेंट के अंदर जो ओप्पो है उसने ये दावा किया था कि पबजी जैसे जो हम कहते हैं कि बहुत ही हैवी गेम है वो आप इस फोन के अंदर बड़ी आसानी से खेल पाएंगे, तो आज की जो जनरेशन है वो पबजी गेम को देखते हुए इस फोन को लेने के अंदर इच्छुक हो सकती है क्योंकि जो प्रोसेसर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया है ओप्पो के अंदर। अगर हम बात करते हैं इसके कैमरे की तो 25 मेगापिक्सल का AI ब्यूटी फ्रंट कैमरा हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। AI ब्यूटी जो है वो बहुत ही शानदार एक फीचर और ओप्पो ने हमेशा से ही अपने फ़ोन के अंदर ब्यूटी को लेके काफ़ी इम्प्रूवमेंट करता है। और 25 मेगापिक्सल का जो कैमरा है काफ़ी शानदार है। रियर कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, बहुत ही पावरफुल है। और जो इसकी गोल्डन कॉर्निंग है ब्लू कलर के साथ में बहुत ही शानदार लगती है। ओप्पो ने पहली बार इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है ओप्पो के फ़ोन के अंदर। ये था ओप्पो K1 का कंप्लीट पैकेज और मेरी अकॉर्डिंग जो इस फोन के अंदर जो सारी अच्छी बातें हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसकी जो स्क्रीन है, डिस्प्ले है, सुपर अमोल्ड HD डिस्प्ले है वो काफी शानदार है। इसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर वो काफी शानदार है। पबजी जैसे गेम जो हम कहते हैं कि पबजी जो है वो एक बहुत बड़ा गेम है स्टोरेज के अंदर, तो उसको आप इस फोन के अंदर काफी अच्छे से प्ले कर पाएंगे। तो फोन जो है वो काफी बेटर है कैमरा क्वालिटी को लेकर और प्रोसेसर को लेकर, बैटरी को लेकर काफी बेटर फोन है। लेकिन इस फोन की जो एक कमी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इस फोन के अंदर जो चार्जिंग स्लॉट है, जी हाँ, जो चार्जिंग स्लॉट है वो सी पोर्ट का ना होकर यहाँ पर ओप्पो ने आपको दिया है माइक्रो USB का, जो अगर आप इसी रेट के अंदर अगर कंपेयर करते हैं, हालांकि शुरुआत में ऐसी दिक्कत नहीं आती है लेकिन आने वाले कुछ महीने दो महीने के अंदर आप इस फोन को यूज करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी सी पोर्ट की। तो यहाँ पर एक छोटी सी कमी जो ओप्पो ने रखी है वो रखी है इसके चार्जिंग स्लॉट को माइक्रो USB दिया है। बाकी फोन मेरे अकॉर्डिंग काफी शानदार है। इसके कैमरा क्वालिटी, जो कलर वेरियंट है वो काफी शानदार है। जो आपने कलर वेरियंट देखा था ब्लू और पिंक कलर का, वो इतना शानदार कलर है उसका कि मार्केट के अंदर उसके मुकाबले जो अगर हम बॉडी की कलर की बात करें तो वैसा जो फोन है आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। बाकी फीचर्स के अकॉर्डिंग जो फोन है मार्केटिंग में 17,000 रुपए में अवेलेबल है आज फ्लिपकार्ट पे, तो काफी बेटर फोन है। और बाकी आपके क्या ओपिनियन इस फोन के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल आज पहली बार देख रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और एंड्रॉइड मोबाइल्स की वीडियो आपके लिए डेली लेकर आता रहता हूं।